अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप किया तो दोबारा मेरी बात सुनने आओगे, मुझे मालूम है। पहले सुन लो, नंबर वन, एक तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कमाल की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ। जितने OTP बाईपास करने हैं, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम, जीमेल पे नहीं करना, क्योंकि मैंने उस पर ट्राई किया था, जीमेल पे काम नहीं कर रही, वो OTP बाईपास नहीं करेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल मेहनत मत करना जीमेल के ऊपर, राइट। मैंने ऑलरेडी अनलिमिटेड फेक जीमेल अकाउंट किस तरह बना सकते हैं उस पर मैंने वीडियो दी हुई है, राइट। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिन भाइयों ने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। और उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, जो भाई यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए भी हैं जीमेल के फेक, तो वो अपने दूसरे ब्राउजर्स को भी यूज़ करें, राइट। किसी ना किसी ब्राउजर पे वो ट्रिक काम करेगी। अच्छा, नंबर टू, कि व्हाट्सएप के ऊपर मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं वीडियोस ऑलरेडी, तो उन वीडियोस के भी लिंक दे दूंगा अगर आप बाहर के नंबर पे व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं, राइट। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि आप काफ़ी दिन से मुझे कमेंट्स थे कि जी फेसबुक OTP बाईपास नहीं कर रहा, जो मैंने एप्लीकेशन दी थी। हो सकता है मैंने उस पर चेक नहीं किया वापस से, बट मैं आपके लिए अलग से एक एप्लीकेशन लाया हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप भी आप बना सकते हो उसके ऊपर, लेकिन उसका एक बड़ा अजीब मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं फेसबुक का बता दूँ, फेसबुक अनलिमिटेड जितने बनाने, आज की जो वीडियो है वो फेसबुक के ऊपर है। मैंने कोई व्हाट्सअप बनाना नहीं सिखाया आज की वीडियो के अंदर। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल फेसबुक सॉरी यूट्यूब के ऊपर ये चक्कर बहुत आया हुआ है कि जी रीयूज टॉपिक और रीयूज कंटेंट आप कम यूज़ करें और यू नो नहीं यूज़ करें और इस तरह की बातें। मैंने इसलिए व्हाट्सएप नहीं बनाया। मैंने फेसबुक के ऊपर सिर्फ एक ही OTP बाईपास की वीडियो दी थी, इसलिए मैं दोबारा दे रहा हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप बना सकते हो। अब आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। देखो, व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग ही पिछले काफ़ी अरसे से हम यही एक प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप के ऊपर कि जी 1 आवर का चक्कर आता है, राइट। तो मैं आज आपसे बोलूँगा कि आप दुआ कीजिएगा, जब भी आप व्हाट्सएप बनाने जाएं अपने लिए दुआ कीजिएगा कि 1 आवर का चक्कर आए। देखो ना, कितनी अजीब सी बात कर रहा हूँ, 1 आवर का चक्कर आए है जब आप व्हाट्सएप बनाने जाओ। क्यों आए? रीज़न बताता हूँ कि क्यों आए, राइट। ये एप्लीकेशन का डेमो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी यूनिक सा आइटम है ना, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 आवर का चक्कर आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के ऊपर थोड़ी मतलब यूनिक चीज़ दूँ अपने भाइयों को। अब क्यों आए? देखो, अगर आप किसी दोस्त के पास क्या होता है कि जी आप जब कोई भी नंबर डालते हैं OTP के लिए डालते हैं, तो उसके पास काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 95% मेरे भाइयों के पास क्या प्रॉब्लम आती है कि 1 आवर का इशू आ जाता है, राइट। तो इस एप्लीकेशन में आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप 1 आवर का चक्कर आए आपके पास, यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप OTP बाईपास करोगे, तो अगर आपके पास काउंटडाउन चल गया तो वो मैसेज OTP भेजे मतलब व्हाट्सअप भेजेगा इनके सर्वर के ऊपर, और इनका सर्वर साला इतना कमीना है कि ये आपको फ़ौरन एक मैसेज भेज देगा कि आप यानी आप हमारी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहे थे, इसलिए हमने आपका नंबर टर्मिनेट कर दिया है, उसी वक्त कर देंगे। तो वो नंबर आपका बेकार हो जाएगा, टेंशन नहीं है, आप उसका डेटा क्लियर करके दोबारा से बना लेना, राइट। कोई VPN यूज़ नहीं करना। एक वक्त में 4 आप अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद 3 घंटे के बाद दोबारा 4 अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद 3 घंटे के बाद तीन घंटे के गैप से दोबारा बना सकते हो। जितने बनाने बनाओ, जितने बाईपास करने बाईपास करो। अच्छा, अब व्हाट्सएप के लिए क्या करोगे? अगर आपके पास काउंटडाउन चल गया, वो नंबर आप व्हाट्सएप के लिए आपका बेकार हो गया, ठीक है, मुझे मत बोलना बाद में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास 1 आवर का चक्कर आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे कॉल मी पे क्लिक, राइट। अच्छा, बाज़ लोगों के पास कॉल मी पे भी इशू आ जाता है कि जी कॉल मी आप करते हैं और लिखा हुआ आ जाता है कि जी 1 आवर का चक्कर। अब देखो, अगर वहाँ पर 1 आवर का चक्कर आ गया ना, तो दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये कि या तो वेट कर लो 1 घंटा, ठीक है, अगर नहीं करना तो फिर दूसरा नंबर ले लो, या फिर अपना व्हाट्सअप चेक करो कि व्हाट्सअप कौन सा यूज़ कर रहे हो। मैंने पहले ही बताया कि व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करो, वो अच्छा है, उसका क्लोन बना लो। अगर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उस पर कोई नंबर, तो उसका क्लोन बना लो, व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करो या FM व्हाट्सअप यूज़ कर लो, कोई भी मतलब इस तरह के अच्छे, यानी कि FM भी सही है, मेरे पास अब तक कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सअप प्लस में कोई दिक्कत नहीं है अब तक, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो एज एक्सपीरियंस मैं यही बता रहा हूँ। उसके बाद जैसी आपकी मर्जी है आप काम करें। अच्छा, कॉल मी पे क्लिक करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगी, आप व्हाट्सअप बना लोगे, आराम से बना लोगे, राइट। अच्छा, उसके बाद दूसरी जितनी भी आप OTP बाईपास करते हैं उसमें आप करके बताइएगा, जिस जिसके पास जो जो अप्लाई हो जाए वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक है सीरियसली एनर्जी का काम करता है, और इसी बदौलत दिल से आप लोगों को बताने में मज़ा आता है, खुशी होती है। लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने भाइयों को समझाता हूँ एक एक पॉइंट,
मैं शॉर्ट एडिट करके नहीं डालता यार। सोचो, सोचने वाली बात है ना यार, अगर मैं शॉर्ट कर दूँ, मतलब सिर्फ मुझे वीडियो ही अपलोड करनी है और शॉर्ट करके दे दूँ कि यार ठीक है ओके, क्या होगा कि आपके पास जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो डिलीवर नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे। तो काफ़ी इस बात, काफ़ी मेरे भाई इस बात पे एग्री करेंगे कि जिस तरह मैं समझाता हूँ, मुझे लोग बोलते भी हैं कि आप भाई जिस तरह समझाते हैं हमें समझ में आता है, हो नहीं पाता, कुछ लोगों से बन नहीं पाता, वो एक अलग बात है, राइट। लेकिन मैं समझाता अपनी, मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने भाइयों को जो भी चीज़ दूँ क्वालिटी चीज़ दूँ, राइट। अब देखो किसी के पास वो बन रही है, कोई बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, राइट। क्योंकि मैं फिर वही बात बोलूँगा कि मैं अपने चैनल के ऊपर जो डालता हूँ जेन्युइन चीज़ डालता हूँ। भैया अगर मेरी इस वीडियो के बाद उन ऐप वालों, यानी कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटीज़ लगा दें या बाद में कुछ पंगे हो जाएं, जो भी ऐप्स हम बताते हैं, तो ब्लेम किस पे आता है कि जी आपने गलत ऐप बताई, वो तो ये तो काम ही नहीं कर रही। ऐसा नहीं होता भाई, बाद में काम करे या नहीं करे, अभी आप जो अभी देख रहे हैं भैया वो तो बनाएं। और उसके अंदर मैंने एक फेसबुक की मैंने पासवर्ड ओपन रख दिया है, जो भी मेरी पहली वीडियो देखेगा उस वो ले ले, चाहे फेसबुक अपना बना ले, उस पर पासवर्ड तो मैंने मतलब ऑन दे ही दिया है पहले व्यूज़ के लिए। एनीवेज हम चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड आई लव यू ऑल। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ख्याल रखिएगा अपना। जी गाइज, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मगर पहले मेथड को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जब आप ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, राइट। और कोशिश कीजिएगा कि भाई की ही डाउनलोड लिंक से इसको डाउनलोड करें, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मेरी वेबसाइट के ऊपर एक थोड़ा सा पंगा आया हुआ है कि आप कोई भी मेरी पोस्ट पर क्लिक करोगे ना, तो वो जब तक उसको 8-9 बार तब टक 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 ऐसे उंगलियाँ नहीं मारोगे ना एक साथ, तो वो आगे नहीं जा रही, कभी कभी चली जाती है। तो थोड़ा स्क्रिप्ट का इशू है, तो वो इशू ऐसे ही रिजॉल्व होगा जब तक इस पर उंगलियाँ ना मारी जाएँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ओके, आई अग्री पे करेंगे क्लिक, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा, जैसे ही अलाउ पे क्लिक करोगे आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें आपके जितने भी जीमेल आप यूज़ कर रहे होगे अपने इस मोबाइल के अंदर, राइट, वो सब के सब आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट टेंशन नहीं लो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप अनलिमिटेड फेसबुक अनलिमिटेड फेक जीमेल अकाउंट्स किस तरह बना सकते हैं, राइट। तो जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखी, ऑफ कोर्स मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा कि आप अनलिमिटेड उसके जीमेल के अकाउंट्स किस तरह बना सकते हैं, राइट। सो हम इसको करेंगे यहाँ से अलाउ। अलाउ करेंगे तो देखिए मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, मैंने सारे अकाउंट बनाए हुए हैं इस पर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ करेंगे किस तरीके से, अकाउंट किस तरह क्रिएट करेंगे। मैं कोई भी एक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपने इस तरह एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड जब क्रिएट करें तो अच्छी तरह देख लीजिएगा कि भैया कोई गलती ना कर रहे हो, क्योंकि एक ही अटैम्प्ट है इसके अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद जब आप साइनअप के पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, साइनअप पे क्लिक करने के बाद मैंने चूंकि अपने अकाउंट सारे बनाए हुए हैं, आपके पास एक और पॉपअप, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स आ जाएंगे आपके पास, राइट। नंबर्स आने के बाद आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद एक और पॉपअप आएगा, सिर्फ उसमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 1+3 कितने होते हैं, 4 होते हैं जी। ओके जी, 5+2 कितने होते हैं जी, 7 होते हैं जी। मतलब एक दफ़ा आपने वैलिडेट करना होगा, उसके बाद जो पेज आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन होके मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद आप देख रहे हैं लॉगिन करता हूँ मैं, राइट। वही ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना जो मैंने दिया, राइट। पासवर्ड डालने के बाद मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपके पास क्या इंटरफेस आएगा। कोई आपको इसके अंदर VPN यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल की ऐप है ये, राइट। और सुकून वाली ऐप है, मतलब इसके अंदर आप अर्न क्रेडिट भी अर्न कर सकते हो, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद सबसे टॉप लेफ्ट पे आप देख रहे हो 3 लाइंस, इस पर आप करोगे क्लिक, ये आपका नंबर आपको यहाँ मिलेगा, जैसे मेरा नंबर है 6143446599। ओके, अभी हम क्या करेंगे, मैं इस UPX ब्राउज़र का, अगर आप बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे क्या, मैं इसका लिंक आपके डाउनलोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बड़ा कमाल का ब्राउज़र है, आपकी IP को चेंज करता है, राइट। और आप कोई भी ब्लॉक वेबसाइट यहाँ पे रन कर सकते हो, कमाल ब्राउज़र है ये, नॉर्मल ब्राउज़र नहीं है ये, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा, चाहो तो डाउनलोड कर लेना। ओके, हम यहाँ पे एक क्रिएट न्यू अकाउंट पे करते हैं क्लिक। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अगर हो सके तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्ला, मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ BLA ब्ला, और जाने मन, ठीक है, ब्ला ब्ला जाने मन, नेक्स्ट। ओके जी, मैं यहाँ पर कोई भी
डाल दे, ये डाल देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं फ़ोन नंबर +1 614, एंड हमारा नंबर क्या है वहाँ पर? ओके 614 344, ओके 3446, ओके 599, राइट। हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद मैं मेल करूँगा, राइट नेक्स्ट करेंगे, राइट। पासवर्ड मैं यहाँ पर कोई भी दे देता हूँ, जैसे आई लव यू, जो लेना चाहे ले ले, मैं दे रहा हूँ खुलेआम पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है पासवर्ड दे रहा हूँ, जो लेना चाहता है ये अकाउंट ले ले। ओके साइन अप पे करेंगे क्लिक। क्या कह रहा है कि जी ब्ला ब्ला वी आर क्या कह रहा है कि इन यूज़ ओके एवरीडे, ओके जी वो कह रहा है कि नाम दे सही वाला, मैं देता हूँ जैसे शहजाद SHAHZAD, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ SHAHZAD शहजाद, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, ओके पासवर्ड आप लोगों के सामने देता हूँ मैं पासवर्ड, यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं फॉर एग्जांपल जैसे P123456789, ठीक है। जो भी मेरी पहली वीडियो देखेगा ये मैं फिर बता रहा हूँ कि उसको गिफ्ट है वो ले ले, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, राइट उसके बाद हम करेंगे ऐसे ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम OTP बाईपास करेंगे, ऐड आ गया, ऐड को हम करेंगे कट, ठीक हो गया। अच्छा ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, अब क्या करोगे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, मेरे पास मैसेज आ चुका है, ठीक है हम जाए। अब ये मत सोचो कि बॉक्स बनावा नहीं आ रहा, बॉक्स खुद ब खुद बनावा आएगा। कैसे आएगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैसेज यानी OTP जो हमें रिसीव हुआ है। आप जाओगे ये देख रहे हो आप SMS में जाओगे, तो एज यू कैन सी हियर हमारे पास जो SMS है OTP 13217, देखा इस पेज पे आया तो ये आ गया, ओके 13217, एक दफ़ा रीकन्फर्म कर लूँ 13217, यस ओके। हम यहाँ से इसको करेंगे कन्फर्म, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर मेरे कुछ भाई करते हैं मुझे मालूम है, रिक्वेस्ट करूँगा यार प्लीज़ शेयर कर दिया करें, बहुत ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की बहुत। और यहाँ से हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट बन गया है, हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से, नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से, राइट। तो ये कोई भी अकाउंट ले ले, देखिए मेरे पास यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं भैया, ओके जी स्किप कर रहा हूँ मैं यहाँ से, राइट। सो ये अकाउंट जो भी मेरी वीडियो देखेगा पहले उसको गिफ्ट है वो ले ले, पासवर्ड मैंने शो कर दिया है, ओके जी नेक्स्ट कर दूंगा, आपको पूरा दिखा दूँ मैं बना के भाइयों को। OTP हमने बाईपास किया आराम से, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, बस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और आई लव यू ऑल, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।